नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महसूस कुरैशी, मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले से, और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी मुर्गी पालन। बहुत से दोस्तों का कमेंट्स आ रहा था और फ़ोन आ रहे थे कि आप मुर्गियों के पंख निकलने पर वीडियो बनाइए। तो आप ये मैंने दो तीन फ़ोटो में दिखाने की कोशिश की है कि अगर आपकी मुर्गियों के पंख इस तरीके से निकल रहे हैं जैसे ये मुर्गी बैठी हुई है और इसकी पूँछ में एक भी पंख नहीं है और मार्केट में इसकी वैल्यू भी कम होती है, ये पूंछ वाली मुर्गी से कम रेट में बिकेगी। सबसे पहले तो आप ये देख लें कि आप जो फीड खिला रहे हैं, जो न्यूट्रिशन उनको मिलना चाहिए, जो घटक उनको चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो उसकी पूर्ति आपको दवाओं से करना है। तो आप उन दवाओं को ख़रीदें जिसमें के होता है। और ये जो पूंछ निकलने का और घायल करने का मामला है, ये सारा स्ट्रेस से जुड़ा हुआ है। स्ट्रेस कई प्रकार के हो सकते हैं कि उनको प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं हो रहा है, जगह कम है, जो न्यूट्रिशन उनको चाहिए, जितने घटक चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं। यानी कि आप ये समझ लें कि जैसा उसको दाना चाहिए है, जैसा पानी चाहिए, जिस टाइम पे पानी, जिस टाइम पे दाना, जितनी जगह उसको चाहिए है और उसको जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसके जीवन काल में, वो अगर हम दे नहीं पा रहे हैं तो वो पंख नोचना और पंख नोच के घायल करना ये करती है। तो आप समझ गए होंगे कि पहले जो मैंने दवाओं के माध्यम से बताया, और दूसरा अगर आप दवा नहीं खरीद पाते हैं, उसकी जानकारी नहीं है, तो मैंने आपको देसी इलाज भी बता दिया जो चोंच काट करने का है वो तरीका। और अगर पूरा विस्तार से देखना है तो RIR चूज़े की सीरीज़ जो चल रही है उसमें 35वें दिन का जाके वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने बताया विस्तार से। जो हमारी मुर्गियां पंख निकालती हैं उसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट में कमी है। मैनेजमेंट उसको कहेंगे कि भाई उसको गर्मी लग रही है तो प्रॉपर हवा नहीं मिल रही है, ठंड लग रही है तो पर्दे बंद नहीं है, प्यास लगी है तो टाइम पर पानी नहीं है, भूख लगी है तो दाना नहीं है, दाना भी मिला तो वो दाना नहीं है जिसकी उसको ज़रूरत है। अगर पानी का मैनेजमेंट ठीक है, दाने का मैनेजमेंट ठीक है, आबो हवा का ठीक है, फार्म की दिशा ठीक है, सारी चीज़ें देने के बाद भी अगर मुर्गी एक दूसरे के पंख नोच रही है तो फिर आप चोंच कट कर दीजिए। चोंच कट करने का वीडियो आप ये देख लीजिए। तो जो दोस्त नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दें, और डिस्क्रिप्शन में दो व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक हैं, उस पर आप जुड़ सकते हैं कि आपकी मुर्गी को इसी प्रकार की छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, तो उसमें भारत के सभी राज्यों के फार्मर हैं जो सब मिलकर आपकी समस्या का निदान व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से कर देते हैं। तो कल फिर नई जानकारी नए विषय के साथ फिर हाजिर होते हैं। लाइक करना है कि नहीं करना है, सब्सक्राइब करना है कि नहीं करना है, फैसला आपका है। नमस्कार।